फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग रेसिपीज। हम टेस्टी और न्यूट्रिशियस बीटरूट और बनाना केक बनाएंगे। ये एकदम नए टाइप की रेसिपी है और इसमें बीटरूट और बनाना के बेनिफिट्स मौजूद होंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप किए बिना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेकिंग डिश को ग्रीस कर लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। हमने बेकिंग डिश को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और हमने मैदा डस्ट कर दिया है। अब हम 1 कप मैदे को छान लेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ छान लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ छान लीजिए चीनी छोड़ के। कुकर को प्रीहीट करने के लिए रख दीजिए। कुकर में 1 कप नमक डाल दीजिए। नमक को कुकर में फैला लीजिए। इसी नमक का हम बार बार इस्तेमाल करते हैं जब भी हम बेकिंग करते हैं। कुकर को प्रीहीट होने दीजिए। अभी हम 2 ओवरराइप बनाना ले रहे हैं। 2 पका हुआ केला ले लीजिए और उसे मैश कर लीजिए। अब हम इसमें 3/4 कप चीनी डाल रहे हैं। केले और चीनी को मिक्स कर लीजिए। अभी हम इसमें 50 ग्राम मक्खन डाल रहे हैं। 50 ग्राम्स बटर डाल के भी इसे आप मिक्स कर लीजिए। अभी हम केले, चीनी और बटर को मिक्स कर रहे हैं। अभी हम इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे। 1/2 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस डाल दीजिए। वनीला एसेंस डाल के भी मिक्स कर लीजिए। अभी हम इसमें 1/2 कप छाछ डाल रहे हैं, यानी कि बटर मिल्क हम इसमें डाल रहे हैं। मिक्स कर लीजिए। अभी हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाते रहिए और कट एंड फोल्ड मेथड से इसके अंदर मिक्स करते रहिए। कट एंड फोल्ड मेथड से सारा ड्राई इंग्रेडिएंट आप इसमें डाल लीजिए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बीटरूट डाल रहे हैं। इसमें बीटरूट का नेचुरल कलर आएगा। देखिए, एकदम पिंक कलर लग रहा है, ये ब्राइट पिंक कलर, क्योंकि इसमें छाछ भी है। तो छाछ के साथ और बटर के साथ मिक्स होके एकदम ब्राइट पिंक कलर का बैटर तैयार हुआ है। अब हम इसमें बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट भी मिला रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को कट एंड फोल्ड मेथड से मिला लीजिए। अब हम इसमें 1/4 कप छाछ और डाल रहे हैं बैटर को पूरिंग कंसिस्टेंसी में लाने के लिए। पूरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर अचीव करने के लिए जितना छाछ ज़रूरत हो उस हिसाब से आप छाछ डाल सकते हैं, या आप चाहें तो थोड़ा सा और बटर भी मिला सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बैटर ही बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा करके हम 1/4 कप छाछ इसमें मिला लेंगे। बैटर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर रेडी है। अभी हम बैटर को पोर कर रहे हैं। बैटर
बैटर को हमने केक टिन में पोर कर दिया है। अब हम इसे एयर बबल्स रिमूव करने के लिए टैप कर लेंगे ताकि कोई भी अगर एयर बबल्स रह गया हो तो वो रिमूव हो जाए। हमने केक के बैटर को प्री हीटेड कुकर में डाल दिया है। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और 55 मिनट्स के लिए एकदम स्लो फ्लेम में हम इसे पका लेंगे। बीच बीच में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उससे केक नहीं राइज होगा। क्योंकि हमने कांच का ढक्कन लगाया है इसीलिए बाहर से ही आप देख पाएंगे कि केक कितना राइज हो रहा है। अगर आपके पास स्टेनलेस स्टील का ढक्कन है, कांच का ढक्कन नहीं है, तो भी आपको केक खोल के चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल स्लो फ्लेम में इसे पका रहे हैं, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। केक को बिल्कुल भी बीच में ढक्कन खोलकर चेक ना करें। अब हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल निश्चिंत होके। बस 5 मिनट बाद आके हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो फ्लेम में कर देंगे। अभी आप इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए। मैंने इसे मीडियम फ्लेम में कर दिया है। अब मैं 5 मिनट बाद आके इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम में कर दूंगी और उसके बाद मैं 1 घंटे बाद ही आके चेक करूंगी। 20 मिनट में केक बहुत अच्छे से राइज हो गया है, एकदम ऊपर ऊपर तक केक आ गया है। 5 मिनट्स में केक बहुत अच्छे से बहुत राइज हो गया है। अब हम 15 मिनट बाद गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। 1 घंटा हो गया है, अब हम चेक कर लेंगे एक बार। टूथपिक बिल्कुल साफ निकल आया है, केक इसका मतलब केक पक गया है। न्यूट्रिशियस बीटरूट केक रूम टेम्परेचर में आ गया है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ न्यूट्रिशियस भी है क्योंकि बीटरूट बहुत अच्छा सोर्स होता है मैंगनीज का, पोटेशियम का, आयरन का, और उसमें बहुत मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है, और ये बहुत अच्छा सोर्स होता है फाइबर और फोलेट का। और इसमें हमने बनाना भी दिया है, केला भी दिया है, केला भी बहुत अच्छा सोर्स होता है पोटेशियम का। बीटरूट हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और ये हमारे स्टैमिना और मसल पावर को बढ़ाता है और ये कैंसर को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इसमें पोटेशियम और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और इसीलिए ये हेल्दी वेट गेन करने में मदद करता है। केक बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बना है। बिना क्रीम इस्तेमाल किए केक को बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे। 3 व्हाइट चॉकलेट स्लैब्स को तोड़कर थोड़े से दूध के साथ 1 मिनट के लिए फुल पावर में माइक्रोवेव कर लेंगे। ये देखिए व्हाइट चॉकलेट एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी का हो गया है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर में आने देंगे और उसके बाद हम इसे केक के ऊपर पोर कर देंगे। इस केक में हमने केला भी दिया है। बनाना जो है ये बहुत अच्छा सोर्स होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस का, और इसमें आयरन और जिंक भी पाया जाता है और भी अन्य मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए बनाना को भी अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इसलिए हमने इस केक में बनाना दिया है। ये एगलेस केक है इसलिए बनाना से ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। केक के ऊपर वाइट चॉकलेट को पोर कर दीजिए और हम उसे चम्मच से फैला रहे हैं व्हाइट चॉकलेट को। डिलीशियस और टेस्टी बनाना बीटरूट केक बनके तैयार है। ऐसी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी।